बार बोला मैं, जब मैं खवालियां सुनते रहता हूं तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना बोल के। इतनी गर्मी में ये बरसाती केचुआ कहां मिला तुम लोगों को? मल्टीप्लेक्स में बीवी के साथ फिल्म देख रहा था भाई, आधे में से उठा के लाया भाई। महंगाई के इस दौर में करंट का खर्चा बचाने मैं हाथ का पंखा इस्तेमाल कर रहा हूं और तू मेरे पैसे देना रख के एसी के मजे लूट रहा रे। और ए मल्लू, इसकी कार्रवाई शुरू करो। आप बोल भाई, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी भाई, इस वजह से बीवी को फिल्म दिखाने ले गया था भाई। इतने परेशानियों में भी तुम लोगों को मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, छिल्ला छट्टी सब याद रहता, खर्चा वापस करना याद नहीं रहता रे। एक हफ्ते का टाइम दे दो भाई, मैं आपके पैसे पूरे फूलों में रख के दे देता हूं। नको रे बाबा, फूलों में रख के नको दे, बहुत लोग ऐसी बोल के गए। बाद में मैं फोन कर रहा हूं तो बोल रहे गुल्लू भाई फूला महंगे हो गए, सस्ते होते ला के देते। अरे एडवांस भाई, उसके जेबों में देख क्या है। अरे नहीं है भाई पैसे, अरे मैं बोला ना भाई, अरे कहां का तुम हाथ डाल दे रहे हो तुम लोग। अरे अरे मैं दे रहा हूं भाई, हफ्ते का टाइम मंगा ना भाई, अरे कैसा भी करके लाके दे रहे। तो भाई लंगा दिख रहा है यार भाई। अरे फोन मिला उस्ताद। अरे वो फोन मेरा नहीं है भाई। आए इतना महंगा कहां से ला रहे फूला? वजन नहीं मार्केट से। मुबारक लोशा, क्या बात है, लूट ले रहे हो। जबरदस्त खर्चा करा ऐसा दिख रहा दावत पे। हाँ तू खाली मेरी शादी में देख अंगार लगा दिया। चलो उठो बाबा, आओ भाई। अरे यहाँ से भी उठो, जरा हटके बैठो। हाय कर देंगे, जरा बाजू हट रहे। क्या बारे पूर्ति में आ रहा अज्जू? उन्हें छे देख बाबा। कौन है रे उन्हें? पहचानता उसको। स्टेज की तरफ नको देखो, अनजान मारो दूल्हे को, देखा तो बुला लेता उन्हें। मिलना मिलना बाद में देखेंगे। अरे सुफ, पहला टेबल जमा क्या देख? अब भी देख रहा हूँ। देख रहा उन्हें छे देख गुल्लू दादा। ऐसा सिटी में इसके ऐसा फाइनेंसर कोई भी नहीं है बाप। बगैर श्योरिटी के इंटरेस्ट पे लाखों रुपए देता था बाप उन्हें। छोड़ भैया फाइनेंस वाइनेंस की बात, मेरे सामने नको कर, ये चक्करों में अपने को पढ़ना ही नहीं है। दूल्हे से मिलके फ्री हो जाएंगे बोल रहा हूँ। खामोश बैठ, दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता, समझा? और पहले दस्तर पे नहीं खाए तो मेरे को मजा नहीं आता। भाई आप बेफिक्र रहो, आपको खिला के छम लोगा खाते। चलिए भाई खाने को आइए जल्दी। ये बूटे का भरोसा नहीं है, कभी भी उखड़ सकता, बहुत दिन से सता रहा इन्हें। आज साला अगर पैसे नहीं दिया तो सामान ही उठा लेंगे अपन इसका, क्या बोलो? लारी लेके सामान उठाने के वास्ते। खामोश ठहर, सामान तेरी जीप पे डाल के ले जाना मेरे भाई। लाख है ये खरसदारों से बहुत तंग आ गया भाई। मैं बुढ़ा है रे घर पे। अरे लाख तोड़। नहीं आता भाई, खाली बड़े बड़े बातें करने आता, तू तोड़ रहे। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द नाक लाया। डाकिया डाक लाया डाक। आली जनाब का हिसाब कितना है? 47,300 रुपए ब्याज मिला के। ये कैसा हिसाब है भाई? किसी तो लिया था ना, 10 तो दिया ना भाई। ये जो इंटरेस्ट होता नहीं, ये जरासीम के जैसा मल्टीप्लाई होते रहता। इसको रोकने के वास्ते हर थोड़े दिन को दवा डालते रहना पड़ता। इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा भाई? लेते वक्त नहीं सोचा कहाँ से लाऊंगा?
मैं तो ये देख रहा हूँ उतने पैसों का तेरे घर में माल है या नहीं। अम्मी जी क्या हुआ बेटी शबनम? घर में घुस के आए तो आए, सनाने में भी घुस के आ जाते। तू अंदर के क्यों कह रहे बहन? सामाने का देख रहा था भाई। साले हमारे पैसे लेके हमारी बेइज्जती करते थे। ए, बड़ों पे हाथ उठा दे, शर्म नहीं आती? सॉलिड भरी दिए, घर में मसाले हाथ से पीसते क्या? आई ने भाई कुछ रख दी। इतनी खूबसूरत बेटी के बाबा को खर्जदार नहीं होना चाहिए। आज से आपका खर्जा पूरा माफ। शबनम बेटी तुम अंदर जाओ। अंदर की क्यों जा रही? गुल्लू भाई मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी चाहता हूँ। अरे इसमें माफी की क्या बात है, लेन देन के मामले में अक्सर ऐसा होते रहता। वैसे भी मीठे रिश्तों की शुरुआत कड़वाहट से होती। ईमानदार बाप की जानदार बेटी, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। हेलो कहाँ है बेटा? अंकल की दुकान पे चाय पी रहा हूँ। जरा घर पे आ। किधर आऊँ बोला? अरे घर के छत पे ठहरवा रहे भाई, वो सूरी को भी लेके आ। जरा तुम लोगों से इमीडिएट और अर्जेंट बात करना है मेरे को। ठीक है आ रहा हूँ। जल्दी आ, वेट कर रहा हूँ। ठीक है फोन तो रख। चल आई ले, शादी को 4 दिन रख के अब बोलता? रियल स्टेट की मार्केट बहुत डाउन है बाप, नहीं तो हमारे बाबा की जमीन फूक देता था। सॉरी मामा, तेरे बुरे टाइम में हमला मदद नहीं कर सक रहे। फाइनेंस में चलता क्या? गुल्लू से दिला दे ना तो श्योरिटी की जरूरत, इस पार्ट पे पेमेंट दे देता हूँ। मगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा ना रे भाई। टाइम बहुत कम है, एक ही ऑप्शन है। कारोबार तो जबरदस्त चल रहा, आसानी से पैसे लौटा दे सकते। ऐसा नहीं हाँ। वैसे भी ऐसा हो गया अब सिचुएशन, अब कहीं से भी पैसे मिल गए तो बस वापिस जाने का देखेंगे। अल्लाह मालिक। तू एक काम कर, तुम्हें कुछ शाम को मिल, अपन दोनों गुल्लूकंद जाके पैसे ले लेंगे, क्या बोलता? चल राइट। चल मां। मर गया भाई, अब्बा अम्मा पाला। अरे कहा भाई, जोड़ो भाई। अरे ये का ला लिया रे भाई। अरे कुछ भी नहीं होता रे भाई, ठहरना था ना। पैसे टाइम पे नहीं दिए तो क्या हशर होता? अगले वाला देने से पहले 10 बार सोचना भाई। क्या मान लो भाई, जी की हड्डी सरका दो। अरे तो पैसे मिलते क्या भाई? रखो मारो बोलो पैसे निकाल रहा शर्त। फिलहाल ये 60 रुपए तो रखो। इन्हें मेरे सबर का इम्तिहान ले रहा रे। तू मेरे को बंडियों पे फाइनेंस देने वाला फाइनेंसर समझ रहा रे? नहीं भाई। एक काम करो, इसकी चड्डी बनियन छोड़ के पूरे कपड़े उतार लो। अल्लाह अल्लाह, नको भाई नको भाई, मैं लुट जाता भाई, मैं बर्बाद हो जाता भाई, मेरी इज्जत भाई भी जाती भाई, मेरे लोग भी जाते भाई। प्लीज भाई, प्लीज भाई, तुम्हारे पैर पर लेता हूं भाई। इसकी बनियन और चड्डी भी उतार लेना बोल रहा था। अरे टकले, मैं तेरे को जितना बोला उतना कर, वो काम आजकल की महंगाई कर लेती। ले जा इसको। नको भाई, अरे मच्छर होगा मेरे को इशारा और 3 टाइम तनख्वाह दो इसको। बेफिक्र रहो भाई। बादशाह भाई क्या हिसाब है इसका? 5,000 रुपए लिया था, 15,000 रुपए अब तक दे दिया और 3,000 रुपए देना है। ये दोनों का क्या है? ये लो अभी खर्चदार है क्या मेरे? होने वाले है। वैसे तो खाते पीते घराने के, कुछ पैसों की जरूरत पड़े तो आपके पास आ गए भाई। वो तो तेरी हालत से दिख रहा, स्लम डॉग मिलियनर। खैर छोड़ो, बोलो कितने होना? कितने लेंगे रे? 5, 10, 15, 10 लाख होना भाई। होला होगा क्या? 4 लाख भाई। 10 से सीधा 4 पे आ गए। अगर मेरे को डुबाने का प्लान है तो भूल जाओ, पैसे बगैर श्योरिटी के दे रहा हूं तो जबड़ों में हाथ डाल के वसूल करने भी आता मेरे को। पहले ये बोलो दोनों में से खर्जा किसको होना? मेरे को होना भाई। तो तू कहीं को फुदक रहा रे, जाके वहां बेंच पे बैठ। एक काम कर, तू जाके वहां बेंच पे बैठ, मैं लेके आ रहा हूं। आ रहा भाई। इधर आओ बाबू, इधर आओ। क्या नाम है आपका? जी अजीज। अच्छा देखो मियाँ, 1,20,000 रुपए कट जाते। 100 दिनों तक डेली 4,000 रुपए बनना पड़ता। एक दिन भी अगर नहीं भरे तो 1,000 रुपए का चालान होता। अगर मंजूर है तो साइन कर दो ये पेपर। ऑफ पैसे कहीं के वास्ते ले रहे? नहीं बोले भाई, वो मेरी शादी है। अच्छा कर्जे लेके शादियां कर ले रहे तुम लोग? एक मई छू कुवारा बैठा हुआ। खैर बहुत बहुत मुबारक। मुबारकबाद तो आपको शादी में आके देना पड़ेगा भाई।
अच्छा एक रिक्वेस्ट है, अगर शादी के 10 दिन तक आप इंटरेस्ट नहीं लिए तो मेहरबानी। ठीक है, तुम्हारे वास्ते वो भी करेंगे। शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं, यहाँ करो मियाँ, यहाँ करो। हाँ ठीक है, हाँ चलो ले लो मियाँ पैसे, चलो मुबारक हो, चलो। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, चलो ठीक है। क्या चीचा बहुत ही बांट रहे हैं पैसे? अरे मियाँ पैसे मिलेंगे आप यहाँ पे? मैं बोला नहीं, काम बन जाता यहाँ पे। चल 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 भाई, चल चल ऐसे फूटे होते खर्चे होते बोल के मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। देख वैसे भी तुम्हारे को शहर में कौन बेटी देता भाई? नई कोल्हापुरी चप्पल है बोल के बच गया, नहीं तो ये चप्पल गोबर में डुबा के मारता था तेरे को। सभी इनको सच बोलो, नीचे से लेके ऊपर तक मिर्ची लगती रहती खाली। क्या बेवाया होने जैसा उठ रहा, जोर से बोल। तेरी माँ का कमीना मारू। हेलो क्या जी, आज चल रहे ना मल्लिका की शादी में? मैं राखी के स्वयंवर में जा रहा हूँ, तुम मल्लिका के पास जाओ, समझे? ये लौंडा शरीफ ही दिख रहा मेरे को। मेरे को भी शरीफ दिख रहा। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजे। वाह लता जी वाह, क्या बात कही आपने, वाह। आप ऐसे मीठे चले करे तो अपने से कोई भी नहीं रोता। आज मेरा रोमांटिक मूड है, मारा खाने के चाले नको कर जाया से। भाई लड़की पसंद आ गई तो बोलो, उठा के ला लेंगे। नहीं रे मोगेम्बो, जो मजा जीतने में है वो लूटने में नहीं है। भाई नहीं मारते बोले तो एक बात बोलता हूँ, गली का हजाम बोल रहा था आप ऐसे पोटियों के चक्कर में रहते पागल हो जाते, अब मेरे को भी तुम पागल हो गए सरकार दिख रहा। साले जब भी मैं खुश होता हूँ तो तेरे को बर्दाश्त नहीं होके कुछ तो भी जहर उगलता मुँह से। और ये पोटी किसको बोला रे? इज्जत से नाम ले उसका, नाम नहीं मालूम तो भाभी बोल, समझा? आ जाना दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना, रोके चाहे लाख जमाना, कह देना ये दिल है दीवाना। ये तेलंगाना बंद, आंध्रा बंद, पूरे कारोबार चकले लगे हुए, ये महीने की तनख्वाह भूल जाओ, और तू भी भूल जा रहे। आई ने तेरा फोन दे रहे, साला मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अरे हौले मोगेम्बो, कहीं को दिया रे फोन बैलेंस नहीं है तो? मेरे क्या मालूम, आप गेम खेलते समझ के दिया। तेरे पास भी है नहीं रे फ्लास? है 2 रुपए। क्या कर रहे रे साले, शराबों में उड़ा रहे तनख्वाह। हेलो रीचा, कहाँ है रे? हाँ मैं बम्बई में, गुल्लू भाई आते हिसाब क्लियर कर देता हूँ आपका। 2 सेकंड में बम्बई पहुंच रहा हूँ। आप कब आए बम्बई? ये झिर्रे को बम्बई का नाम कब से दिए रे साले? पैसे क्या हुआ भैया, ये गुंडा आपको तंग कर रहा क्या? क्या कलर है यार वो? इनो आपके भाई है? हाँ। क्या आपका पूरा खानदान मेरे से पैसे लिया हुआ है? चलो भैया, अगर ये गुंडा आपको तंग कराना तो हम सीधे जाके पुलिस में कंप्लेन करेंगे। वैसे भी आजकल पुलिस को ना आप जैसे फाइनेंसर की तलाश रहती। साले को काले जा रही। क्या बोले जी तू? गाली किसको दिए? गाली किसको दिए? गाली वाला साला नहीं बोला, रिश्ते वाला साला बोला। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूट कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। इसके खानदान में जितने भी लोग मेरे से पैसे लिए सबका खर्चा माफ कर दो। भाई ये भाभी अपना धंधा बन गया सरका दिख रहा। ये तू अपना धंधा क्या बोलते रहता रे? हाँ तू मेरा पार्टनर है, चल